वेलकम बैक टू आवर चैनल कुणाल ऑटो। तो आज की हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। तो मेरे को मेरे फ्रेंड का कॉल आया था, तो वो इंजन रिबिल्ट कर रहा है, तो वो डीओ का इंजन रिबिल्ट कर रहा है। एक्चुअली इंजन सीज हो गया था, तो अभी मैं आपको पूरा इंस्टॉलेशन की वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ, क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे। हाय फ्रेंड्स, हुंडई डीओ मॉडल है और ये सेम हम लोग इंजन फिटिंग करने वाले हैं इसका। सब ये 3G 4G 5G अलग सेम ही आता है एज अ फिटिंग, BS6 का अलग है। वो टर्नर वाले के पास से क्रैंक केस, क्रैंक पूरा हमने फिनिश कर लिया है। इसका कनेक्टिंग का बड़ा बैरिंग डाला था और थोड़ा सा क्रैंक आउट भी था, तो क्रैंक भी हमने सेट करवा लिया है। तो अभी हम इसको क्रैंक केस के अंदर फिटिंग करेंगे। करो मनीष भाई, फिटिंग करो क्रैंक को क्रैंक केस में, और व्यूअर्स को भी बताओ कि कैसे कैसे क्या क्या प्रिकॉशन लेना है और किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अपन इसको बेरिंग का जो पोर्शन है उसको अपन ग्रिप लगा के लुब्रिकेशन कर देंगे, मतलब बेरिंग आसानी से बैठ सके। ये क्रैंक के अंदर टाइमिंग चेन डाल दी है, चेन के ग्रूव से चेन को अंदर डालेंगे। इधर से आपको चेन को टाइट करना है, ये देखिए सिंगल केस में हमारा क्रैंक बैठ गया है चेन के साथ। बॉन्ड लगाएंगे तो बॉन्ड लगाएंगे तो ऑयल लीकेज नहीं होगा। तो क्रैंक केस पे हम बॉन्ड लगा लेंगे ताकि ऑयल लीकेज ना हो। बॉन्ड लगाने के बाद फिर हम पैकिंग लगाएंगे, क्योंकि क्या है मुंबई में मॉनसून थोड़ा सा ज्यादा परेशान करता है, तो हमें सेफ्टी मेजर्स पहले लेने पड़ते हैं। इसके अंदर पैकिंग डालेंगे और जो सेकेंडरी क्रैंक केस है मैग्नेट साइड का, उसको इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे। ये हमारा सेकेंडरी क्रैंक केस है, इसको भी हम लोग लुब्रिकेट करने वाले हैं। इसका जो बैरिंग का ग्रूव है उसको हम लुब्रिकेट करेंगे ताकि हमारा क्रैंक का जो बैरिंग है वो केस में इजीली बैठ जाए। ये है, तो अभी हम क्रैंक केस को फिट करेंगे। अंदर की तरफ भी ऑयल सील रहती है उसको भी लुब्रिकेट करेंगे, क्योंकि ऑयल सील डैमेज ना हो, लीकेज हो जाएगा। तो रबर हैमर से अपन केसिंग को अपन टैप करेंगे तो ये केसिंग आराम से बैठ जाएगी। देखो फ्रेंड्स, केसिंग अपने प्रॉपर तरीके से बैठ चुकी है। तो फ्रेंड, केसिंग लगने के बाद क्रैंक फ्री घूम रहा है क्या देखेंगे, टाइट रहेगा तो दिक्कत आ सकती है। हम केसिंग के बोल्ट टाइट कर देंगे। तो क्रैंक केस के 8 अपना बोल्ट लगाने के बाद अभी हम ऑयल पंप फिटिंग करेंगे। तो ऑयल पंप फिटिंग करते टाइम आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको ऑयल पंप के अंदर पहले ऑयल डालना है, उसके बाद आपको फिटिंग करना है। तो मनीष भाई ऑयल डाल रहे हैं ऑयल पंप में, उसको पूरा गीला करना ऑयल पंप को, ताकि ऑयल पंप पे स्ट्रेस ना आए इंजन चालू होते टाइम। फटाफट ऑयल और जो इंजन ऑयल है वो फटाफट कैम शाफ्ट को पहुंच जाए। और ये जो ऑयल पंप है इसको इसकी केसिंग में बिठा के इजीली बैठ जाता है ये। अभी इसमें 10 mm के 2 बोल्ट लगा देंगे। ऑयल पंप का जो पिन है उसको हम गियर में डालेंगे, गियर के अंदर जो ग्रूव्स है उसमें सेट करेंगे और उसके बाद ऑयल पंप के अंदर इंस्टॉल करेंगे। ये देखिए हमारा ऑयल पंप बैठ गया है पूरा प्रॉपरली। ये
ये ऑयल पंप के कवर को केसिंग में लगाएंगे, और इसका जो ओरिंग था उस पर हमने बॉन्ड भी लगा दिया है ताकि ऑयल लीकेज ना हो। थोड़ा सा इसको हैमर से टैप करेंगे। इसका जो एक अपना बोल्ट रहता है वो केसिंग में होता है और दूसरा छोटा होता है। मैग्नेट की कॉइल इंस्टॉल करेंगे, पिकअप कॉइल के नट लगाएंगे, ये अर्थिंग का हमारा क्लिप है, तो क्रैंक केस हमारा इंस्टॉल हो गया है। तो अभी हम पिस्टन को सेट करेंगे और उसके बाद ब्लॉक किट को हम क्रैंक केस के ऊपर बिठाएंगे। तो सबसे पहले हमें गजन पिन का जो लॉक होता है वो पिस्टन के अंदर इंस्टॉल करना है। जो पहली रिंग है टॉप, जो इंटेक के अपोजिट साइड में रखेंगे, उसकी अपोजिट साइड पे सेकंड रिंग रखेंगे टॉप की। उसके बाद ऑयल रिंग है वो इंटेक के मिडल वाले के इसमें रखेंगे, ऑयल रिंग मिडल वाली है उसका कट, और उसके जो जो रिंग रहते हैं छोटे वाले तो अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे, बेसिकली ये वाले एक है, एक सेकंड वाला ये। रिंग की पोजीशन सेट हो गई है, तो अभी गजन पिन को ऑयल किया, कनेक्टिंग रोड के छोटे एंड को भी हमने ऑयल लुब्रिकेट कर दिया है। एक बार फ्री है या नहीं उसको चेक करेंगे। देखो ये अपना गजन पिन पूरा फ्री है और इसमें प्ले भी नहीं रहना चाहिए, तो प्ले वगैरह भी आपको चेक करना पड़ेगा अपने एंड से। तो अभी हम पिस्टन को कनेक्टिंग के छोटे एंड में इंस्टॉल करेंगे। तो पिस्टन में हमने एक साइड तो लॉक लगा दिया था, ये देखिए गजन पिन जो है कनेक्टिंग के छोटे एंड में हमने डाल दिया है और इंस्टॉल हो गया है। अभी हम इसका लॉक लगाएंगे, गजन पिन का जो सेकंड लॉक है, एक साइड का तो हमने पहले इंस्टॉल कर दिया था। ये देखिए हमारा गजन पिन का जो लॉक है वो सेकंड लॉक भी बैठ गया है प्रॉपरली। गाइड इंस्टॉल करेंगे टाइमिंग चेन में, अंदर इसका लॉक रहता है, ये इसका गैस्केट है।